करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के अंदर और ये जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं योर पेपर पेपर जो है या जिसे आप सेट वन भी बोल सकते हो वो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने फोर्टीन क्वेश्चन को आंसर किया था

100% प्रिपेयर हो जाओगे और फिर सोशियोलॉजी में तो आपको किसी भी चीज की कोई भी टेंशन नहीं होने वाली एग्जाम से रिलेटेड So, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ एक बार वापस से बता देती हूँ कि हमने ट्वेल्थ सोशियोलॉजी के टर्म टू एग्जाम में जितना भी सिलेबस आ रहा है उससे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं यानी कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं सभी के एनसीएर सोल्यूशन भी कंप्लीट है इसी के साथ में सभी का रिविजन भी हो चुका है और इसी के साथ में हमने टेस्ट पेपर सोल्यूशन भी किए

उन सभी को नोट डाउन कर लेना सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना कैसे आंसर्स को लिखना है वो भी अच्छे से ध्यान रख लेना तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फुल टू रेडी जो है हो जाओगे ठीक है एक बार जस्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि किस तरह का जो है पेपर आने वाला है क्या एक पैटर्न होगा और आपको किस फॉर्मेट में जो है आंसर करना है क्वेश्चन को तो जैसे कि हम सभी जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका और बेसिकली टू आवर्स का होगा फोर्टी मार्क्स होंगे ठीक है फोर्टी मार्क्स का पेपर है आपको टू आवर्स में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आंसर करना है एंड द पेपर हैज 14 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी पेपर के अंदर 14 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सभी 14 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है 14 क्वेश्चंस के अंदर चॉइस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है बट आपको सारे 14 क्वेश्चंस को आंसर करना है क्लियर है सब्जेक्टिव होने वाला है और पेपर जो है वो फोर सेक्शंस में डिवाइडेड है दैट इज योर सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी एंड सेक्शन डी सेक्शन ए जिसमें कि आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस किए हुए हैं कि एक केस या एक जो है पैराग्राफ को हम रीड करते हैं फिर उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहाँ भी आपको एक सोर्स आपके चैप्टर्स में से ही ठीक है एक सोर्स दिया रहेगा उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसको आंसर करना है और जो हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है या जो हमारा हैं मतलब कि two questions आपको यहाँ पर answer करने हैं और वन मार्क के हैं ठीक है वन मार्क आपको इसके लिए मिलेगा और यहां पर आपकी वर्ड लिमिट टेन टू फिफ्टीन वर्ड होनी चाहिए यानी कि जो आपका सेक्शन ए है सेक्शन ए इसमें आपके क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू होने वाले हैं दोनों को आपको टेन टू फिफ्टीन वर्ड के अंदर जो है आंसर करना है और आपको इसके लिए वन वन मार्क्स मिलेंगे ठीक है इसके लिए मिलेंगे दैट इज योर सेक्शन सेक्शन ए अब अगर हम बी की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन थ्री से लेके नाइन तक यानी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है इतना तो पता ही होगा मतलब बड़े बच्चे हो गए हो तो थ्री टू नाइन क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन बी में मिलने वाले हैं और ये टू मार्क क्वेश्चन होंगे इसके लिए आपको टू मार्क्स मिलेंगे और वर्ड आपकी थर्टी वर्ड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए यानी कि आपको थर्टी वर्ड के अंदर ही इसको आंसर करना है तो यहां पर हम लिख लेते हैं सेक्शन बी सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर थ्री टू नाइन वर्ड लिमिट थर्टी वर्ड्स एंड मार्क्स टू फॉर इच

और इसे आपको 80 वर्ड्स में ही लिखना है मतलब 80 आपकी वर्ड लिमिट रहेगी फोर मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे हर एक आंसर के लिए सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 टू 12 सॉरी 10 टू 12 है ना और वर्ड लिमिट हो गई 80 वर्ड्स और मार्क्स कितने हो गए फोर फॉर इच क्लियर है फिर इसके बाद में है सेक्शन डी अब कितने क्वेश्चन बोले थे मैंने आपसे टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं फोर्टीन क्वेश्चन होने वाले हैं 12 तक तो हो ही चुके हैं और फोर सेक्शन है तो थर्टीन और फोर्टीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर करना है सेक्शन डी के अंदर और यहाँ पर आप देखो वर्ड लिमिट है टू हंड्रेड और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं

तो यहाँ पर क्वेश्चन भी थोड़ा उस अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे कि थर्टी वर्ड्स के अंदर जो है आपके आंसर्स कंप्लीट हो ही जाएंगे अगर आपको लगता है कि उसके अलावा आपको एक आध लाइन कुछ और ऐड करनी है थर्टी वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो आप उसमें नेसेसरी ठीक है अगर जहां भी लगे इंपॉर्टेंट तो आप ऐड कर सकते हो क्योंकि टू मार्क्स की क्वेश्चन है अननेसेसरी लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं फिर इसके बाद में जो सेक्शन सी है उसमें आपकी एट्टी वर्ड्स लिमिट है तो यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना जो भी आपसे क्वेश्चन में मतलब पूछा गया है वो तो आप लिखोगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देते हैं कैसे करना है सबको जब भी आगे हम समझ

सेक्शन नंबर ए के साथ में सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे जहां पर पर आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन वाले हैं तो नंबर नंबर और को हम आंसर करेंगे पहला सोर्स क्या है देखो एक्सटेंसिव इंपोर्टेशन ऑफ द चीप यूरोपियन पीस गुड्स एंड यूटेंसिल्स एंडमेंट इन इंडिया इट से वेस्टर्न टाइप है अब क्योंकि यूरोप से जो भी यूटेंसिल्स जो भी पीस गुड्स बन के आते थे वो बड़े ही आ, मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव हुआ करते थे ठीक है उनका बहुत ज्यादा जो है इंपोर्ट चल रहा था मतलब यूरोप के जो गुड्स हैं वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे थे और बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट हो रहे थे मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेशन हम उनका कर रहे थे और इंडिया में ही वेस्टर्न टाइप की बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप हो चुकी थी इंडिया के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज की जो बहुत सारी फैक्ट्रीज थी मेनली यहाँ हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर यूरोप की बात कर रहे हैं किसकी बात

वजह से इंडिया की जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।

ठीक है ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है डी so, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमको इंडिया में देखने को मिलता है एंड द एक्सटेंट टू विच दिस इंटीग्रेशन ऑफ द ओल्ड विलेज ऑर्गेजेशन इज इन डिफरेंट और ये जो हम एक डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करें या करेंग्रेशन की बात कर रहे हैं ओल्ड विलेज ऑर्गेनाइजेशन की वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंटली होता है द चेंज इज मोस्ट नोटिसेबल इन दी मोर एडवांस्ड प्रोविंस ये जो चेंज है ये हमको और ज्यादा जो एडवांस प्रोविंसेस है उनमें ज्यादा देखने को मिलता है सो so, बेसिकली ये जो एक पैराग्राफ था वो आप

आपने क्या सारी चीजें पढ़ी थी एक बार फटाक से सारा कुछ रिकॉल कर लो तो आंसर लिखने में आपको थोड़ा सा जो है आसान पड़ जाता है कैसे पड़ेगा अभी देखो अगर यह पैराग्राफ आपको समझ में आ गया कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है तो आपको क्लियर हो जाएगा अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोपियंस डिस्ट्रॉइड विलेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यूरोपियंस ने कैसे विलेज इंडस्ट्रीज जो रही है इंडिया की उसको डिस्ट्रॉय किया वो आपसे पूछा गया है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां आपको टेन टू फिफ्टीन वर्ड्स में ही लिखना है और पैराग्राफ से ही रिलेटेड लिखना है तो आपका आंसर क्या होगा देखो द एक्सटेंसिव इंपोर्टेशन ऑफ चीप यूरोपियन पीस गुड्स एंड एंड यूटेंसिल्स द यूरोमेंट इन इंडिया इट द वेस्टर्न टाइप हैव मोर और लेस डिस्ट्रॉयड मेनी विलेज इंडस्ट्रीज तो किस तरह से यूरोपियंस ने विलेज इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वहां से जो है एक्सटेंसिव इंपोर्ट हो रहा था और वेस्टर्न टाइप की इंडस्ट्रीज इंडिया में ही लग रही थी तो इन सारी चीजों की वजह से विलेज इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और इन सबके पीछे यूरोपियंस का हाथ होता है सो so, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था आपको सिंपल सा इसका आंसर करना था अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था या ये जो पूरा सोर्स था ये चैप्टर नंबर वन से था चैप्टर नंबर वन क्या था स्ट्रक्चरल चेंज अब स्ट्रक्चरल चेंज में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से किस तरह से इंडिया की सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो यहाँ हमने मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को पढ़ा था और हमने देखा था कि जब वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो कैसे इंडिया में डी हुआ क्लियर है अब अगर सॉरी इतना जनरल आइडिया आपको होगा क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख पाओगे और ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा क्लियर है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे या क्वेश्चन नंबर टू पे तो क्वेश्चन नंबर टू भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है तो यहां भी एक सोर्स रहेगा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको उसको आंसर करना है ओके okay? दे स द अपर कास्ट फाउंडर्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू बी मॉडर्निस्ट एज लॉन्ग एज दे आर इन दर्विस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट द मोमेंट देर एंड क्लेम देंशन गॉट देयर इन टू देयर ब्राह्मिकल टच मी नॉट अटायर दे यहां पर दे कौन है वो अपर कास्ट फाउंडर्स या अपर कास्ट के लोग ठीक है जितने भी अपर कास्ट के सारे लोग हैं जिन्होंने भी वेरियस को फाउंड किया है ये सभी मॉडर्निस्ट होते हैं ये सभी मॉडर्न बनते हैं या मॉडर्न लाइफ को जीते हैं कब तक जब तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर किसी ना किसी सर्विस में होते यानी कि अपर कास्ट के लोगों ने जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए अपनी सर्विसेस प्रोवाइड करी या उनके अंडर रहते हुए इन्होंने जॉब करी तब तक ये बड़े ही मॉडर्न ख्यालों वाले होते थे जो कि लिबर्टी इक्वालिटी और बड़ी अच्छाई की बात

क्योंकि मैं अपर कास्ट हूं मैं बड़ा ही प्योर इंसान हूं वो उस एक जो है मतलब अटायर के अंदर वो आ जाते हैं यहाँ पर किसी चीज की बात हो रही है यहाँ बात हो रही है कास्ट सिस्टम की कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम प्रविलेंट है तो जब तक इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहा और उस रूल के अंदर अपर कास्ट जब तक जॉब वगैरह करते रहे सर्विसेज में रहे तब तक वो बड़े ही मॉडर्न ख्यालों वाले होते थे लेकिन जैसे ही वो रिटायर होते थे और वापस से सोसाइटी का पार्ट बन जाते थे तो वो अपने वो टच मी नॉट अटायर में आ जाते थे कि मैं बड़ा ही प्योर इंसान हूं मैं अपर कास्ट का हूँ मेरा एक अपना हाई स्टेटस है सोसाइटी के अंदर तो आप मुझे टच मत करो मैं दलितों के कॉन्टेक्ट में नहीं आऊंगा मैं लोअर कास्ट के साथ में नहीं रहूंगा इस एक अटायर में आ जाते थे तो ये किस एक तरीके की जो है मॉडर्निटी है इस चीज को लेकर सवाल उठाया जाता है अब याद करो ये कौन से चैप्टर से था फिर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूं तो आपको इसको आंसर करना है ठीक है अमंग हुज व्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन पैराग्राफ जो भी सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है उसमें से किनके व्यूज इस पैराग्राफ में रिफ्लेक्ट होते हैं ठीक है कौन से सोशल रिफॉर्मर के व्यूज इस एक पैराग्राफ में ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं ये आपको बताना है अब आपने सोशल रिफॉर्मर्स कौन से चैप्टर में पढ़ा है वो ध्यान में करो और जैसे कि मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली थी कि चैप्टर्स के बीच बीच में बहुत बार कुछ बॉक्स वगैरह आते हैं साइड में कुछ बॉक्स दिए रहते हैं या कुछ भी ऐसा छोटा सा परसेप्ट वगैरह दिया रहता है हम बहुत बार उसको इग्नोर कर देते हैं बट उसे भी पढ़ना चाहिए क्योंकि मेनली ये जो सोर्स वाले क्वेश्चन आते हैं या जो भी आपसे मतलब कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये सभी क्वेश्चन उन बॉक्सेस में से ही बनते हैं तो इसीलिए वो बॉक्सेस को इग्नोर मत करना ठीक है और ये जो क्वेश्चन है ये उसी बॉक्स में से ही लिया गया है ठीक है अब देखो आंसर है ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले व्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन दी अब पैराग्राफ ज्योतिबा फुले का ये परसेप्ट है जो बोलती है मतलब बोलते हैं कि ये किस एक तरीके की मॉडर्निटी है ठीक है ये कैसा एक पाखंड है कि जहां पर अपर कास्ट जब सर्विसेज में होती है तो अपने आपको बहुत मॉडर्न ख्यालों वाला बताती है लेकिन जैसे इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन जाती है रिटायर हो जाती है तो वैसे ही वो अपने टच मी नॉट अटायर के अंदर आ जाते हैं तो इस एक चीज को बोलती है बोलते हैं ज्योतिबा फुले तो इसमें पैराग्राफ में ज्योतिबा फुले के व्यूज को जो है रिफ्लेक्ट किया गया है क्लियर है तो इसीलिए जो जिसका आंसर आपको नहीं पता था तो उसको आप नोट कर, कर लो नोट कर लोगे तो वो चीज ध्यान में रह जाएगी लिखने से जल्दी चीजें याद हो जाती है क्लियर है आई होप यहाँ तक समझ में आएंगे टू क्वेश्चन हमने किए दैट वो योर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और ये वन मार्क के क्वेश्चन थे क्लियर है अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे दैट इज योर सेक्शन नंबर बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर हम वेरी शॉर्ट में आंसर करने वाले हैं क्वेश्चन को डायरेक्टली जो पूछा है वही आंसर करेंगे और ध्यान में रखना कि ये थर्टी वर्ड आपके पास में वर्ड लिमिट है थर्टी वर्ड से एक्सीड आपको नहीं करना है और आपको यहां हर एक क्वेश्चन के लिए मतलब आंसर के लिए टू मार्क्स मिलने वाले हैं ठीक है थीके? ये चीज ध्यान में रखे फिर क्वेश्चंस को आंसर करना अब क्वेश्चन है हाईलाइट एनी टू फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो आपने पढ़ा है उसके दो फीचर्स आपको बताने ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या फीचर्स होते हैं बताओ आप लोग मुझे बताओ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या सारे फीचर्स होते हैं या आप अगर मतलब पढ़ रहे हो मेरे साथ में आंसर्स कर रहे हो तो आप अपनी नोटबुक में भी लिखो मेरे, मेरे को भी बताते चलो तो मुझे पता चलता रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स को आंसर पता है ठीक है अच्छा दो फीचर्स बताओ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के कौन कौन से होते हैं अब आपने यहां पर लिखा कि द टू फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज बच्चे क्या करते हैं जैसे ही उन्होंने ये सेंटेंस पढ़ा कि हाईलाइट एनी टू फीचर्स तो वो मतलब जैसे आंसर पता तो बस स्टार्ट कर देते हैं ठीक है ये लिखा मैंने आंसर और ये मेरा आंसर शुरू नंबर वन दिस इज दिस नंबर टू दिस इज दिस, दिस, दिस और अब आ गए सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर ये एक चीज मत करना जो पूछा गया है उसकी एक इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर होनी चाहिए क्योंकि देखो होता क्या है कि हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस क्वेश्चन पेपर को हम अपने साथ में घर ले जाते हैं और आंसर शीट जो हमारे पास में होती है उसमें हम क्वेश्चन तो नोट नहीं करते नहीं करते ना जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो पहले आप आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा लिखोगे फिर उसका आंसर लिखोगे ऐसा तो हम नहीं करते हैं तो इसीलिए जब हम आंसर लिखते हैं उसमें क्योंकि क्वेश्चन नहीं होते तो एक इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए कि हम आंसर किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं तो जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करो तो आपको उसमें ये एक लाइन जरूर लिखना है कि द टू फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर आर या आर एज फॉलोज ठीक है और डिस्कस्ड इन दी और डिस्कस्ड बिलो ठीक है इस एक तरीके से एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी और डाल लोगे ना तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से अपने को करना आता होगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे ठीक है अब देखो सो so, कौन कौन से फीचर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के सबसे पहला तो एक सेक्टर इज अ टाइप ऑफ सेक्टर विच इज सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन दैट एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं जिसे हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए सबसे पहली चीज तो ये सेकंडली द ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट तो वो ensure करते हैं कि सभी एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरीज मिल रही है प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं प्रॉपर पेंशन बेनिफिट मिल रहे हैं और अदर बेनिफिट मिल रहे हैं तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड होती है ये सबसे पहला पॉइंट सेकेंड पर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए इसका एक और फीचर होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साल के अंदर टेन या उससे ज्यादा लोगों को मतलब पीपल को एम्प्लॉय करें ये भी एक उसका फीचर होता है तो आप तीन फीचर याद रख लो तीन अगर याद हैं तो एग्जेक्टली exactly, मतलब एग्जाम में जब लिखने जाओगे तो दो तो लिखोगे ही तो इसलिए तीन जो है उसको याद करके रख लो क्लियर है आगे ये भी समझ में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आपने के बारे में है। उसके कोई दो एग्जांपल दो अब एग्जांपल में ऐसा नहीं है एग्जाम्पल को आपको बस यहाँ पर दो नाम बताने हैं किसी भी कास्ट मूवमेंट का कि ये वाली कास्ट मूवमेंट हुई यहां पर हुई ये आपको बताना ज्यादा है तो रीजन बता सकते हो ठीक है अब कैसे स्टार्ट करोगे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया द टू एग्जाम्पल ऑफ कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स आर क्लियर है ये आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन होगी एंड फर्स्ट सतनामी मूवमेंट ऑफ चमार इन छत्तीसगढ़ एंड सतनामी मूवमेंट इन पंजाब तो ये जो है दो कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हुई है हमारे हिस्ट्री में जिसको आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने थे आपने बता दिया क्लियर है आए ये भी समझ में हमने दलित मूवमेंट्स या कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स जब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता है या मतलब जो है किस तरीके से सारी दलित मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज होती हैं कोई ऐसी जो है पूरे बड़े लेवल पर एक ही सिंगल दलित मूवमेंट नहीं हुई है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट इशूज को लेकर हुई है तो इसीलिए हम यहाँ पर किसी एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा वर्ल्ड लिमिट एक्सीड कर जाएंगे तो जस्ट आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दी ज्यादा है तो आप रीजन बता दो कि किस एक चीज को इशू को लेके हुए थे जैसे फॉर एक्जाम्पल टचेबिलिटी के लिए हुए थे या फिर जो है मतलब वाटर रिसोर्सेज में मतलब या इक्वालिटी को लेकर हुए थे डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हुए थे कि किस एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया गया था तो वो आप जो है यहाँ पर बता सकते हो क्लियर है ये भी आ गया समझ में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ना बड़े ही इजी से हैं बस दो दो मार्क्स में आपको लिख देना है तो बहुत जल्दी आपको ध्यान में हो जाएंगे अभी आने वाले हैं बड़े बड़े क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे सो क्वेश्चन नंबर फाइव वट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोपराइटी कास्ट ग्रुप प्रोप्राइटरी कास्ट ग्रुप क्या होते हैं ये यहां पर आपको बताना है इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कहां पढ़ा है कौन से चैप्टर में पढ़ा है फटाफट से फट भी रिकॉल करते हैं चलो सो so, आंसर आप लिखेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ कास्ट ग्रुप फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री विच कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रिसोर्स इन विलेज एंड कमांड लेबर टू वर्क इन दैम ये एक इस तरीके का कास्ट ग्रुप होता है जो हमको बहुत सारे रीजन्स में देखने को मिलता है कंट्री के जो मेनली क्या करते हैं कि विलेज के जो भी रिसोर्स होते हैं उसको कंट्रोल करके रखते हैं विलेज के रिसोर्सेस को कंट्रोल करके रखते हैं दैट इज लैंड एंड लेबर एंड कैपिटल ठीक है इन सारी चीजों को क्या करते हैं अपने कंट्रोल में करके रखते हैं और लेबर को कमांड करते हैं उनमें काम करने के लिए मतलब लेबर को भी कमांड कर रहे हैं और रिसोर्सेज का कंट्रोल भी इनके हाथों में होता है तो कहीं ना कहीं डोमिनेंट कास्ट भी हम बोल सकते हैं बट डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है जो एम श्रीनिवास ने बोला था डोमिनेंट मतलब कि ये अपना डोमिनेशन बनाए रखते हैं बट हम इनका नाम के दे रहे हैं प्रोपरटी कास्ट ग्रुप और ये भी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है ठीक है कौन से पढ़ा है बताओ जल्दी

एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर कैसे लोगों को जॉब मिलती है जैसे हम भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहते हैं हम अर्बन एरियाज में रहते हैं मतलब आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो अर्बन एरियाज में रहते हैं कुछ रूरल एरियाज में भी रहते होंगे तो जो अर्बन एरियाज में रहते हैं या जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहते हैं ठीक है स्पेशली जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहते हैं उनको जॉब कैसे मिलती है क्लियर है ये yeah, अब आपको यहाँ पर आंसर करना है तो बताओ कौन कौन से वो सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू जॉब मिलती है अगर आपको भी मतलब कल को जॉब चाहिए रहेगी तो आप कैसे जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अप्लाई इन द सेंस मतलब अप्लाई तो दो तो कैसे मिलती क्या सारे सोर्सेज होते हैं आपके पेरेंट्स को जॉब किस तरह से मिली थी कैसे उन्हें अपनी जॉब के बारे में पता हुआ था सो जो बताओ मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में फिर आंसर तो हम देख ही रहे हैं क्या होगा इसका आंसर सो ओके ठीक है चलो अब देखते हैं कि कैसे जॉब मिलती है सो इन इंडिया People find jobs through various means including एडवर्टीजमेंट्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर्सनल कॉन्टेक्ट्स एक्सेट्रा मेनी वर्कर ऑल्सो गेट देयर जॉब थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स अब ये एक चीज पड़ी हुई है ना चैप्टर के अंदर तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बहुत ही इजी सा आंसर था कि एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू जहां पर आप जो है अपना बायोडाटा सेंड कर सकते हो फिर जहां भी जॉब होगी थी वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कभी कभी जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जैसे हमारे चाचा हमारे पापा हमारे जो भी भैया हैं कोई कजन है कोई रिलेटिव है कोई बहुत दूर के रिश्तेदार है उन्होंने बताया कि यहां पर जॉब है तो आप जाके जॉब कर लो तो कभी कभी ऐसे भी जो है हमारे के थ्रू हमको जॉब मिल जाती है या example, है या फॉर कोई पर्सन वो इंडस्ट्री में काम करता है और वहां पर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है तो उसने अपने जो है रिलेटिव को बता दिया कि आप यहां पर आ जाओ जॉब कर लो उनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू न्यूज के थ्रू इसके बाद में बहुत सारे लोगों को जॉब कॉन्ट्रेक्टर्स या जॉबर्स के थ्रू भी मिलती है क्लियर है जॉबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे जो है वो विलेजेस वगैरह में जाते हैं फिर लोगों से कि आपको काम की जरूरत है, क्या अगर वो बोलते हैं हाँ, हमको काम की जरूरत है लेकिन हमें की भी जरूरत है, तो वो उनको पहले पैसे दे देते हैं, आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जॉबर्स इन सभी के थ्रू जो है लोगों को जॉब मिलती है क्लियर है ये भी आगे यहाँ पर समझ सकते हो जैसे आपने ये लिखा कि इन इंडिया पीपल फाइंड जॉब्स थ्रू वेरियस मीन इंक्लूडिंग ये आपने डैश किया नंबर वन एडवर्टीजमेंट Number 2. पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर थ्री एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर फोर कॉन्ट्रेक्टर नंबर फाइव जॉबर ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो वो हाईलाइट हो जाएगा पैराग्राफ में भी लिख रहे हो तो वैसे भी, भी लिख सकते हो बस क्या एक चीज ध्यान में रखना कि चाहे वेरी शॉर्ट आंसर लिखो चाहे शॉर्ट आंसर लिखो चाहे लॉन्ग आंसर लिखो हाईलाइट जरूर करना अगर आपके स्कूल में ऐसा अलाउड है ना कि ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर सकते हो तो ब्लैक पेन से जो है हाईलाइट करना ब्लू से लिखते हो तो ब्लैक पेन से हाईलाइट करना और अगर ऐसा है कि सिर्फ ब्लू पेन से ही लिखना है या जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको बताया गया है तो आप क्या करना ऐसे इसको जो है बॉक्स बना देना के जो भी पेंसिल मतलब लिख रहे हो जिस भी चीज से तो ऐसे बॉक्स बनाते ना तो वो क्या हो जाएगा वो एक चीज हाईलाइट हो जाएगी तो हाईलाइट करते चलना हाईलाइट करने से जो है मतलब टीचर को बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है कि आपने क्या सारे पॉइंट जो है अपने आंसर के अंदर इंक्लूड किए क्योंकि उनको क्या होता है ना उनको ढेर सारी कॉपीज चेक करनी होती है अब इतनी सारी कॉपीज चेक करनी है तो वो एक एक लाइन बैठ के तो पढ़ेंगे नहीं अगर ऐसे पढ़ने लगेंगे तो फिर आपके रिजल्ट बहुत लेट आएंगे है ना तो इसलिए वो क्या कहते हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं उनको इतना आइडिया हो जाता है चेक करते बट अगर आप हाईलाइट करते हो तो उनको और अच्छे से समझ समझ में आ जाएगी कि हाँ ये स्टूडेंट ने जो है बड़े अच्छे से आंसर प्रेजेंट किया इसको बहुत सारी चीजें आती थी तभी तो आपने लिखा है तभी तो आपने हाईलाइट किया है ना तो ये जो है एक टेक्निक है इसको ध्यान में रखना अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इन व्हाट वेज एग्रीकल्चर एंड कल्चर आर लिंक्ड

सो so, अब बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं बहुत सारे ऐसे पैटर्नस हैं इंडिया में जिनका एग्रीकल्चर के साथ में जो है एक कनेक्शन रहा है या एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बैसाखी की बात करी कि बैसाखी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर कल्चरल आस्पेक्ट्स को शेप किया जाता है इस एक फैक्ट के साथ में क्योंकि इंडिया जो है वो लैंड लाइन रहा है एग्रीकल्चरल पीपल का मतलब इंडिया है प्राइमरीली एग्रीकल्चरल सोसाइटी रही है स्टार्टिंग से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया है तो उस एग्रीकल्चर को हमने हमारे कल्चर के साथ में लिंक कर लिया जैसे बैसाखी है गुड़ी पड़वा है और जो है ऐसे मतलब ढेर सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं लाइक पोंगल होती है और जो है हमारे यहाँ पर मतलब ढेर सारे रिलीजन में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है आ, मतलब फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हम ये एक चीज दिखाते हैं मतलब जैसे जब न्यू हार्वेस्ट सीजन होता है तो वहां से हमारा न्यू ईयर भी स्टार्ट होता है 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 ना ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, मतलब चैप्टर के अंदर भी तो बेसिकली बैसाखी एक एक है, कि बैसाखी कि कि कब मनाई जाती जैसे न्यू हार्वेस्ट सीजन हुआ तो वहां से जो है हम फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं हमारे लिए वो एज अ न्यू ईयर जो है हम उसको कंसिडर करते हैं बहुत सारे ऐसे ढेर सारे जो है मतलब फेस्टिवल्स होते हैं हम सभी के अपने अपने कल्चर्स अपने अपने ट्रेडिशंस के अंदर तो इसीलिए हमने

तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो सारे क्वेश्चन है ये टू मार्क्स के हैं तो आप इसमें टू पॉइंट्स ही लिखो टू पॉइंट्स इनफ होंगे ठीक है टू या थ्री पॉइंट्स, तो अब आप देखो इसको कैसे आंसर करोगे इन एन इंडस्ट्रियल सेटअप मैनेजर कैन मेक द वर्कर्स प्रोड्यूस मोर बाय प्रोवाइडिंग देम मोर देन द प्रिवेलिंग वेज एंड रेट एंड ये आपके दो पॉइंट हो गए कि एक या तो जो भी वेज रेट पड़ रहा है वो मतलब जो भी वेज रेट आप उनको दे रहे हो वो आप उनका इंक्रीज कर दो जस्ट सपोज आज आप उन्हें सिर्फ थाउजेंड रुपीज पे करते हो उनके वर्क के लिए तो आप उनको ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज पे करो ठीक है आप उसमें टू हंड्रेड रुपीजीज जो है इंक्रीज कर दो तो उनको लगेगा कि हाँ इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं अच्छे से और ज्यादा काम करूंगा तो शायद मेरा और ज्यादा इंक्रीमेंट होगा और इसके बाद में आप ये भी कर सकते हो कि आप उनको मोटिवेट करते रहो हार्डवर्क करने के लिए अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो आप उसको जो है अप्रिशिएट करो कि हाँ आपने ये वाला काम बहुत अच्छा किया है हम आपकी सराहना करते हैं तो अगर वो थोड़ा भी मोटिवेट होंगे तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और जैसे हमने टेलर की थ्योरी पढ़ी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो मैनेजर है वो दो तरह से वर्कर से काम करवा सकते हैं एक या तो उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ा दो या फिर दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि उसी टाइम पीरियड में उनको आप टारगेट्स ज्यादा दे दो जैसे अभी वो फाइव आवर्स काम करते हैं तो या तो आप उनके आवर्स एट आवर्स कर दो या फिर अगर वो अभी फाइव आवर्स में टेन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो तो आप बोलो आपको इसी फाइव आवर्स के अंदर फिफ्टीन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है तो भी आप उनसे ज्यादा काम करवा सकते हो तो क्योंकि लेकिन यहाँ क्वेश्चन में टेलर की कोई बात नहीं हुई थी जस्ट एक इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करी है तो हम ये दो पॉइंट भी लिख सकते हैं और अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो आप स्पेसिफिकली लिख दो टेलर ने भी जो है इसमें ये दो बातें बताई थी क्लियर है ये भी आ गया यहाँ पर समझ में कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक कोई डाउट नहीं होगा ना कोई डाउट है तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो अब एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्वेश्चन और में पूछा गया है ठीक है क्वेश्चन के बीच में जो है और लगाया गया है सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है उ इज फॉर्मेशन ऑफ एआई टीयूसी मेड द कलोनियल गवर्नमेंट मोर कॉशियस इन डीलिंग लेबर जब एआईटीयूसी फॉर्म होती है ए आई टीयूसी क्या है क्या होगा इसका फुल फॉर्म आंसर मैं बताने वाली हूँ उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एआई टीयूसी का फुल फॉर्म क्या है ठीक है तो अब एआईटीयू सी जब फॉर्म होती है तो किस तरह से जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट और ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है या और ज्यादा कॉशियंस के साथ में लेबर के साथ में डील करती है या लेबर के साथ में डील करने में थोड़ा सा जो है मतलब अपनी स्ट्रिक्ट रूल पॉलिसीज वगैरह को थोड़ा सा कम कर देती है जब से ए आई टी यूसी फॉर्म होता है तो ऐसे क्यों होता है वो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन ये है और इसके अलावा आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो नेम टू वुमेन ऑर्गेनाइजेशन द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में कौन कौन सी दो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई या थी या वर्क कर रही थी उसके आपको नाम बताना है अब जैसे सपोज आप एग्जाम हॉल में हो और आप ये क्वेश्चन पेपर को आंसर कर रहे हो तो आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को ही आंसर करना है आप चाहो तो ये भी आंसर कर दो तो आप चाहो तो ये आंसर कर दो तो आप तो तो जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है ठीक है लेकिन यहां पर जब हम सैंपल क्वेश्चन पेपर को आंसर कर रहे हैं सोल्व करते हैं तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम यहाँ इन दोनों को ही आंसर करेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको कोई एक करना है बट यहाँ हम इन करें ठीक है अब देखो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एआईटीयूसी की तो बता दिए फटक से कमेंट सेक्शन में सभी ने फुल फॉर्म क्या था ठीक है एआईटीयूसी और दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ठीक है व्हाट इज एआईटीयूसी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ज द फुलॉर्म ऑफ यर ए आई टी यूसी एआई टीयूसी जो है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को और ज्यादा टू कंटेन अनरेस्ट यहाँ पर वर्कर्स को अगर आप थोड़ी सी कंसेशन दोगे तो हम अनरेस्ट un, जो होता है उसको कंट्रोल कर सकेंगे जो भी वर्कर्स जो है कभी कभी काम करने से मना कर देते हैं किसी तरह की स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं तो हम उन चीजों में वर्कर्स को कंटेन करके रखेंगे या उनको complete, मतलब कंटेन करेंगे अगर आप उनको कंसेशन प्रोवाइड करते हो तो नाइन 1922 डबल टू में द वर्कर्स पासड द फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट

यूनियन अब ट्रेड यूनियन वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करनी थी तो अब गवर्नमेंट को ये एक चीज पता लग चुकी थी कि ट्रेड यूनियन बन चुकी है और इस ट्रेड यूनियन के अंदर जितने भी सारे वर्कर्स हैं अगर हम उनके डिमांड्स को जो भी उनके मतलब सारी उनको जितने भी सारे कंसेशन चाहिए हैं अगर हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो कल को हमारे वर्किंग में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जस्ट सपोज अगर किसी फैक्ट्री में सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया और काम पर आने से मना कर दिया तो फैक्ट्री का काम नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी कॉशियस हो चुकी थी अब ट्रेड यूनियंस की वजह से और अब वो ऐसे रेगुलेशंस लेके आती थी, थी जो वर्कर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो क्लियर है तो ये इसका बेसिक आंसर होगा ये आप इसमें ऐड कर सकते हो कि फिर 1922 में फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट आया 1926 में ट्रेड यूनियंस एक्ट आया जिसमें ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर्ड होना चाहिए था बट बेसिकली जो एक चीज थी इसके पीछे वो यही थी कि अब उनको पता चल चुका था कि अगर हम आ, वर्कर्स की बात नहीं मानेंगे या वर्कर्स को भी कंसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये सभी जो है अनरेस्ट करने लग जाएंगे और अगर हमें इसे कंटेन करना है तो हमें उन्हें कंसेशन प्रोवाइड करनी होगी क्योंकि अब उनके बिहाफ में ये ट्रेड यूनियन जो है वो वर्क करती है आया समझ में कि कैसे ट्रेड यूनियन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और कैसे जो मतलब कैसे जो है गवर्नमेंट डील करने में कोशिश हो चुकी थी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्वेंटी सेंचुरी में कौन कौन सी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन रही उनके दो नाम आपको बताने हैं तो द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी सो द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एट अ नेशनल एंड लोकल लेवल टू वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी वर्ग वुमेन्स इंडिया एसोसिएशनटीन सेवनटीन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस नाइन ट्वेंटी तो आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा था नेम एनी टू नेुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दि ट्वेंटी अब मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि द टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी एट सेंचुरी वर्थ दिस एंड दिस ठीक है मैं इस तरह से भी आंसर दे सकती थी बट मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ये इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दी कि अर्ली ट्वेंटी एट सेंचुरी में हमको वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देखने को मिलती है नेशनल और लोकल लेवल पर तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया क्यों क्योंकि मुझे तीस वर्ड लिमिट भी

इतना सारा लिखोगे तो टीचर फोर मार्क्स तो दे नहीं देगा तो इसीलिए उतना लिखो जितना जरूरी है क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना है टू आवर्स का टाइम है टू आवर्स में ही सारा कुछ सॉल्व करना है उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो इसलिए टाइम को भी ध्यान में रखो वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखो उसके बाद में क्वेश्चन को आंसर करो ठीक है एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके पास में तो अच्छी बात है बट उसको एग्जाम में थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है ओके क्लियर है यहाँ तक दो सेक्शंस को हमने आंसर कर लिया अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर सी दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे

कैसे जब कॉलोनियलिज्म इंडिया में आता है तो इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं किस तरह के उतार चढ़ाव जो है वो हमको इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं जब इंडिया में कॉलोनियलिज्म आता है तो क्लियर है क्वेश्चन समझ में आ गया अब इसको स्टार्ट कैसे करोगे कैसे लिखोगे जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देंगे और उसके बाद में हम बताएंगे कि किस तरह के मेजर चेंजेस आए हैं या मेजर हुए हैं याकोनोमी में वो सारे हम लिखेंगे अब पहली चीज आंसर लिखना पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखोगे जब भी आप लॉन्ग या शॉर्ट आंसर्स को लिख रहे हो मतलब जहां पर वर्ड लिमिट ज्यादा है तो पॉइंट्स में आंसर लिखो सबसे मेन चीज तो ये पॉइंट में लिखते हो तो आंसर ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है टीचर को सबसे पहली चीज ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हो तो वो एक इंट्रोडक्टरी लाइन हो जाती है तो वहां से ये समझ में आ जाता है कि हाँ स्टूडेंट को सारी चीजें बहुत अच्छे से पता हो मतलब पता थी और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है तो इसीलिए इस एक पैटर्न को ध्यान में रखना अब मैंने आपसे कहा कि आंसर को कैसे लिखोगे तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें बताएंगे कॉलोनियलिज्म के बारे में कि जो है ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो इंडिया में 400 से भी ज्यादा ईयर्स तक रूल करता है और ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के आने से इंडियन इकोनोमी सोसाइटी पॉलिटी कल्चर हर एक चीज में मेजर चेंजेस हमको देखने को मिले ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से पूरी इंडियन इकोनोमी एक्सप्लोइ हो जाती है उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स रहे हैं बट हमको निगेटिव इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं ये जो मैंने आपसे इतना कहा यह आपका इंट्रोडक्शन होगा ठीक है ये जो मैं

कि द एडवेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया प्रोड्यूसर इकॉनमी इन अब यहां पर जो है है ये ये आपका आंसर आंसर। स्टार्ट हो गया। समझ में कैसे लिखना छोटा सा इंट्रोडक्शन और अब पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले एडवेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन मेजर डिस्करप्शन इन प्रोडक्शन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल चीप मैनुफेक्चर टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंग्लैंड कम्प्लीटली द हैंडलूम इंडस्ट्री एंड मेड द वीवर्स जॉबलेस अब जैसे ही कॉलोनियलिज्म इंडिया के अंदर आता है तो इसकी वजह से प्रोडक्शन हो ट्रेड हो या एग्रीकल्चर हो हर एक चीज में हमको मेजर डिस्ट्रप्शन देखने को मिलते हैं यानी कि इंडिया में जो भी सारा प्रोडक्शन का सिस्टम चल रहा था जिस भी तरह से ट्रेड हुआ करता था जैसे भी सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी क्योंकि जैसे हमने देखा कि इंडिया में मोर देन 90 परसेंट पीपल एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर ही उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रहा है या एग्रेडियन सोसाइटी ही इंडिया रही है और मोर देन 90 परसेंट पीपल एग्रीकल्चरल सोसाइटी या रूरल सोसाइटी में ही रहते हैं तो बेसिकली उनका एग्रीकल्चर उनका ट्रेड ये सारा कुछ जो है एक्सप्लॉइट हो जाता है जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लें कि इंग्लैंड से जो मैन्यूफैक्चर टेक्सटाइल्स आते थे जो कपड़े बन के आते थे और जो मैनचेस्टर कॉम्पिटिशन में आया था उसकी वजह से इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी इंडिया के जो वीवर्स थे जो सारे जो है मतलब कपड़े वगैरह बनाया करते थे जो भी सारा कुछ बुनने का काम किया करते थे इसके बाद में जो है सिल्क और कॉटन में जो लोग काम किया करते थे और जो आपका खादी है उसमें जो भी काम किया करते थे दैट इज योर हैंडलूम तो वो जो सारी विलेज इंडस्ट्रीज इंडिया की इंडीजिनस थी वो सारे के सारी की सारी एक्सप्लॉइट हो जाती तो सबसे पहले प्रोडक्शन ट्रेड एग्रीकल्चर इस पर हमको एक जो

इंडिया में फाइनल प्रोडक्ट्स बनते थे पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती थी इसके बाद में इंडिया दूसरी कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स दिया करता था फिर वो उसको सेल आउट किया करते थे बट जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं तो क्या करते हैं इंडिया से सारा रॉ मटेरियल लेते हैं ले जाके उसको ब्रिटेन में जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर वो वापस से इंडिया में सेल आउट करते हैं मतलब इंडिया की चीज इंडिया को बेच रहे होते हैं ज्यादा पैसों के अंदर तो इस तरह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाती है और इंडिया सिर्फ एक सोर्स बच जाता है रॉ मटेरियल का

क्लियर है इस तरीके से जो है आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करना है आगे ये भी समझ में आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सो डिस्कस द द द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन डीलिंग विद वुमेन्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड जब कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था तो वुमेन से रिलेटेड जितने भी सारे इश्यूज थे उसको सोशल रिफॉर्मर्स किस तरह से डील किया करते थे या सोशल रिफॉर्मर्स का क्या रोल रहा है वुमेन इश्यूज को डील करने में वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है तो अब आप इसमें कैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो आप यह बता सकते हो कि सोशल आपका जो रहे हैं हैं जो 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 मेनली मेनली कॉलोनियल टाइम्स में है मतलब होते हैं. उनका मेजर रोल हमको देखने को मिलता है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड में ही रहता है और ये सोसाइटी में रिफॉर्म्स चेंजेस लाने की बात करते हैं पॉजिटिव वे में और इस तरीके से सोशल रिफॉर्मर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए ठीक है ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया एक आध लाइन में आपने बता दिया सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में फिर आपने स्टार्ट किया कि वुमेन्स इश्यूज वर टेकन अप बाय वेरियस रिफॉर्मर्स इन इंडियन हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने वुमेन इश्यूज को उठाया जैसे अब यहां पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आप ये भी लिख सकते हो कि दीज आर एज फॉलोस दीज आर एज फॉलोज और दीज आर डिस्कस्ड इन दी फॉलोइंग वेज

उन्होंने तो विडो रिमेरिज का इश्यू भी उठाया इसके बाद में फीमेल एजुकेशन वाज आल्सो डिस्कस्ड इंटेंसिवली देखो ये जो मैं आपको बोल रही थी कि आप कर देना तो ये मैं भी यहाँ पर कर देती हूँ आप भी अपने आंसर में कर देना ठीक है फिर इसके बाद में फीमेल एजुकेशन का जो इशू है उसको भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि फीमेल्स को एजुकेटेड होना चाहिए तो फीमेल एजुकेशन का जो इशू था उसमें नए नए जो आइडियाज थे लिबरल लिबरलिज्म फ्रीडम ये सारी चीज़ें भी नई आइडियाज लेकर आते हैं कि जैसे होम मेकिंग है या मैरिज है पहले जो लड़कियां होती थी वो क्या करती थी घर में ही रहती थी घर के ही काम वगैरह देखती थी उनकी जो मतलब मम्मी होती थी जो उनकी माताएं होती थी वो उनको सिखाती थी कि घर को कैसे संभालना है क्योंकि आप कल को दूसरे घर जाओगी तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है बट धीरे धीरे ये आया कि हमको फीमेल एजुकेशन प्रोवाइड

के लिए नए रोल्स भी आने लग जाते हैं ज्योतिबा फुले द सोशल रिफॉर्मर ओपन फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे तो इस तरह से वुमेन इश्यूज को उठाया जाता है देन मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स आल्सो डिबेटेड द इश्यूज ऑफ पॉलीगैमी पॉलीगैमी एंड पर्दा जो की प्रथा चलती थी कि आप जो है मतलब एक से ज्यादा वाइफ रख सकते हो इसके बाद में जो पर्दा सिस्टम चलता था कि आपको हमेशा पर्दे के अंदर रहना स्पेशली घूंघट प्रथा भी चलती थी तो ये जो सारी चीजें थी इसको लेके मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स ने भी बहुत सारी जो है डिबेट्स डिस्कशन किए जिसमें जहानारा शाह एट ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस प्रपोज अब अगेंस्ट द एवल्स ऑफ पॉलीगेमी इन इस्लाम तो इसमें जहानारा शाह ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस में एक इशू उठाती है कि ये जो सॉरी पॉलीगेमी सिस्टम है इस्लाम के अंदर इस, ये पूरा एक गलत सिस्टम है खत्म करना चाहिए द रिजोल्यूशन सेट दट पॉलीगेमी वॉज अगेंस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ कुरान ये कह, कहा जाता है कि कुरान की जो ट्रू स्पिरिट है जो उसकी मेन वैल्यूज है उसकी जो कोर वैल्यूज है उसके अगेंस्ट में है ये पॉलीगेमी का सिस्टम जहां पर हम ये कहते हैं कि आप एक से ज्यादा वाइफ्स को रख सकते हो तो इस तरह के इशूज को जो है सोशल रिफॉर्मर्स ने भी उठाया सर सैयद अहमद खान के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने जो है फीमेल एजुकेशन की बात करी देन द सोशल रिफॉर्मस ट्राई टू बिंग चेंजेस इन द सोशल प्रैक्टिस दै डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन इसके बाद में वो सारी सोशल प्रैक्टिस जो वुमेन के अगेंस्ट में होती थी या उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करती थी उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने जो है यह सारी चीजें उठाई जैसे बहुत बार ऐसा माना जाता था पहले के समय में बिल्कुल पहले की हम बात करें ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे उसी टाइम पर कि जब वुमेन अगर कोई लड़की पढ़ती लिखती भी थी तो उसको यह बोला जाता था कि यह बहुत ही बुरी लड़की है यह बहुत ही खराब लड़की है क्योंकि ये पढ़ लिख रही है अगर ये पढ़ लिख लेगी तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा तो इसलिए इसको

सभी में इन्होंने शास्त्र को भी यूज किया मतलब जो स्क्रिप्चर्स थे उनको भी यूज किया इसी के साथ साथ में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मतलब कि मानवता की खातिर भी क्या चीजें होनी चाहिए तो वो सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए फिर इन्होंने वुमेन्स इश्यूज़ को हाईलाइट किया है, आगे सारे समझ में तो से से क्वेश्चन क्या -क्या कैसे -कैसे तो आता है तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपने शॉर्ट करके मतलब शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे जैसे कि चैप्टर में हर बार बोलती थी कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो वो शॉर्ट नोट जो होते हैं ना वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं तो अगर आपने वुमेन्स इश्यूज करके ऐसे आपने लिख लिया

जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज योर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज के ऊपर डिस इन्वेस्टमेंट का क्या इंपैक्ट होता है ये आपको बताना है ठीक है है होता का मतलब समझते हो नहीं समझते तो अभी बता देती हूं। और उसका इम्पेक्ट क्या होता है एम्प्लॉइज के ऊपर वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है एट्टी वर्ड्स फोर मार्क्स ठीक है ये ध्यान में रखना ओके okay, सो so अब हमने स्टार्ट किया सबसे पहले हम बताएंगे कि डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो आपने पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया डिफाइन किया डिस इन्वेस्टमेंट को तो आप बताओगे कि जब जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जब गवर्नमेंट उसके शेयर्स को सेल आउट करना स्टार्ट करती है प्राइवेट पर्सन को दैट इज डिसमेंट मतलब जैसे कोई कंपनी थी वो अभी गवर्नमेंट कंपनी थी लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट उसके सारे शेयर्स प्राइवेट पर्सन को सेल आउट करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे वो कंपनी प्राइवेट पर्सन के ही हाथों में चली जाती है या उस कंपनी को कोई प्राइवेट पर्सन आके पूरा खरीद लेता है और फिर वही उसका जो भी सारा मतलब किस तरह से मैनेज करना है वो सब कुछ वही करता है सो दैट इज योर डिस इन्वेस्टमेंट जहां पर गवर्नमेंट जो है अपने शेयर्स को कम कर रही है और प्राइवेट पर्सन के शेयर्स को बढ़ा रही है क्लियर है दैट इज योर इन्वेस्टमेंट तो ये आपने एक डिस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिख दी और उसके बाद में आप बताओगे द इम्पैक्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉइज आर एज फॉलोज और फिर एक एक करके हम ये सारे पॉइंट बताएंगे क्लियर है तो एक छोटी सी डेफिनेशन या मीनिंग डिस इन्वेस्टमेंट का और फिर उसके बाद में उसके सारे इम्पेक्ट तो देखो अब एक एक करके मेनी गवर्नमेंट वर्कर्स आर स्केयर दैट देर दैट आफ्टर डिस इन्वेस्टमेंट दे विल लूज देयर जॉब्स इन द मॉडर्न फूड्स विच वॉज सेटअप बाई द गवर्मेंट टू मे हेल्थी ब्रेड अवेलेबल एट चीप प्राइस एंड विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू बी प्राइवेटाइज सिक्सटीट ऑफ द वर्कर्स फोर्स टू रिटायर इन द फर्स्ट फाइव ईयर बहुत बार जो डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं उनको ये डर होता है कि हमारी जॉब हमसे छिन जाएगी क्योंकि अगर हम मॉडर्न फूड्स जो ये कंपनी है इसका एग्जाम्पल देखें तो ये सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेटाइज होती है गवर्नमेंट कंपनी रहती है ये गवर्नमेंट इसमें जो है ब्रेड बनाया करती थी थी। मतलब हेल्दी ब्रेड जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी और फिर उसको जो है सस्ते दामों में बेचा जाता था लेकिन जब इस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया इस कंपनी को जब प्राइवेट पर्सन के हाथों में सौंप दिया तो उसने क्या किया कि कंपनी के जैसे ही प्राइवेटाइज हुई उसके पहले पांच सालों में 60% वर्कर्स को जबरदस्ती रिटायर करना पड़ा या रिटायरमेंट लेना पड़ा दैट इज वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट तो वो क्या करते हैं वॉलंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं मतलब कि उनको जबरदस्ती वी आर एस दिलवाया जाता है कि आप जो है छोड़ दो जॉब छोड़ दो क्योंकि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है तो जितने लोगों की हमको जरूरत है वो सिर्फ उतने ही लोगों को काम पे रखते हैं और उसके अलावा लोगों को हटा देते हैं क्योंकि वो उन्हें लगता है कि हम फालतू में उनको सैलरी क्यों दे वो पैसा हमारे पास में बच जाएगा एज अ प्रॉफिट तो इसीलिए सबसे पहला डर जो होता है डिस इन्वेस्टमेंट का एम्प्लॉयज को वो होता है लॉस्ट ऑफ जॉब्स क्लियर है

साथ ही साथ में जैसे कोई शॉप्स वगैरह हैं, आईटी सेक्टर है टेक्नोलॉजिकल से, इंडस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, और भी सारी सर्विस सेक्टर जो है, यहां पर ज़्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है, मतलब की, के देना है और इतने टाइम की हम आपको पेमेंट दे देंगे उसके बाद में जॉब से फिर जाना पड़ेगा जैसे फॉर सपोज आपको सिक्स मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा सिक्स में इस एक टारगेट को

रीजन हो जाएगा वन लाख like तो मैंने तो भी बहुत ज्यादा ही बोला मतलब दस एक हजार रुपए देते हैं कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर और काम हुआ उसके बाद में हमें आपसे कोई मतलब नहीं है तो ये एक चीज का भी डर जो है एम्प्लॉयज को रहता है दैट इज इन सिक्योरिटी सो ये आपके सारे पॉइंट है इसके बाद में आप और भी सारे पॉइंट्स एड ऑन कर सकते हो कि कंपनीज जो होती है वो आउटसोर्सिंग भी करती हैं और आउटसोर्सिंग जब वो करती है मतलब आउटसोर्सिंग के थ्रू जब वो बताती है कि आपको जो है ये वाला काम है आपको इसे काम को करना है तो वहां एक तो पहली चीज वेजेस बहुत कम रहता है आउटसोर्सिंग में अगर आप काम करते हो तो वेजेस आपको बहुत कम मिलेंगे टारगेट्स हैं आपको टारगेट्स को कंप्लीट करना है तो इस तरीके से भी एक जो है डर रहता है एम्प्लॉयज के अंदर और दूसरा सबसे पहला डर होता है लॉस ऑफ जॉब

क्लियर है ये भी आया यहां पर समझ में तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर इंक्लूड करने ये जो मैंने बाद में पॉइंट्स बताए वो भी आप उसके अंदर नोट कर सकते हो एट्टी वर्ड लिमिट्स के अंदर क्लियर है आगे ये भी यहाँ तक समझ में आई होप इतने में तो यहां पर, again, आपकी कितनी है? 200 limits, और आपको सिक्स मार्क्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है दो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे और इसी के साथ में जैसे मैंने आपको एक पैटर्न बताया कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका और उसके बाद में उसका मेन पार्ट और फाइनली कंक्लूजन तो आपको पूरा हाईलाइट करते हुए चार्ट के थ्रू

इम्पैक्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉय इम्पैक्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉय ये आपने हेडिंग डाली और फिर आप एक एक करके जो है सारे पॉइंट्स लिखोगे और फिर आप जैसे यहाँ पर लॉन्ग में लिख रहे हो तो फिर आप कंक्लूजन भी लिखोगे क्लियर है तो इसे एक पैटर्न को ही आपको फॉलो करना है ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए इंट्रोडक्शन है आपको ये इसी पैटर्न के अंदर जो है पूरा चलना है क्लियर है यहां भी अब तो कोई डाउट नहीं है अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्टीन सो पैटर्न ऑफ फार्मर सुसाइड पॉइंट टू द सिग्निफिकेंट क्राइसिस दैट द रूरल एरियाज आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैट्रिक्स इवेंट्स एंड हाउ आर दे पॉसिबल फॉर फार्मर्स सोसाइट अब फार्मर के केसेस रूरल एरियाज में सिग्निफिकेंट क्राइसिस की तरह देखे जाते हैं मतलब रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा फार्मर के केसेस हमको देखने को मिलते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है सेकंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैट्रिक्स इवेंट्स मैट्रिक इवेंट से आप क्या समझते हो एंड हाउ दे रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर सोसाइट कैसे मैट्रिक्स इवेंट्स फार्मर सोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है यानी कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये थ्री पार्ट्स में पूछा गया सबसे पहले तो फार्मर सोसाइड आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है सेकेंडली आपको बताना है मेट्रिक्स इवेंट्स क्या होते हैं थर्डली आपको बताना है कि फार्मर के केसेस कैसे मेट्रिक्स इवेंट्स हैं या कैसे मेट्रिक्स इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं फार्मर सोसाइड के लिए ये थ्री पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है हम आंसर भी थ्री पार्ट्स में ही करेंगे देखो पैटर्न क्या होगा कैसे आपको स्टार्ट करना है आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे आप इस इंट्रोडक्शन में यह सोसाइटी में एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है जिसका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी एग्रीकल्चर है ठीक है पॉइंट जो भी बोल रही हूँ वो नोट करते चलना तो इंडिया स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर सोसाइटी है और इसमें मोर देन एट्टी टू नाइनटी एग्रीकल्चर में स्टार्टिंग से रहते हुए आए हैं आज भी मोर देन फिफ्टी परसेंट पीपल आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सोसाइटी पर ही बेस्ड हैं, जिनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर ही है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ही है क्लियर है ये आपने इतना कुछ बता दिया ये हो गया आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इंडिया जो है क्योंकि अब एग्रीकल्चर सोसाइटी है है तो फार्मर्स का नंबर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर फार्मर्स हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं किसान जो है वो हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं इसके बाद में आप ये बताओगे कि फार्मर सोसाइटी के केसेस सिग्निफिकेंट हैं रूरल एरियाज में तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कि द पैटर्न ऑफ फार्मर सोसाइट पॉइंट्स टू द सिग्निफिकेंट क्राइसिस

इवेंट्स आर फॉर फार्मर्स इन द फॉलोइंग वेज और फिर आप वो सारे पॉइंट्स में आंसर करोगे आपके सारे क्वेश्चन मतलब इसके क्वेश्चन के आंसर के जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे वो आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है मतलब आप पैराग्राफ में नहीं लिखोगे आप पॉइंट वाइज एक एक करके लिखोगे अगर आप पैराग्राफ में लिख भी रहे हो तो आपको कैसे लिखना है कि जैसे मान लो ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा फिर आपका ये जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए आप पैराग्राफ चेंज करोगे उसके लिए आपने पैराग्राफ चेंज किया फिर आपने थर्ड पार्ट के लिए फिर से पैराग्राफ चेंज किया फिर आपने फोर्थ पार्ट के लिए फिर से पैराग्राफ चेंज किया अगर आप पैराग्राफ में लिख ही रहे हो तो बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पॉइंट्स में ही आंसर को लिखना ठीक है आप कैसे आंसर को लिखोगे क्या सारे पॉइंट्स होंगे वो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है अब आपका आंसर स्टार्ट होता है कि फार्मर्स इन इंडिया फॉर सेंचुरी फेस डिस्टेस ड्यू टू ड्रॉट फेलियर्स ऑफ और डेप फर्स्ट हमारा क्या था इंट्रोडक्शन वो हमने बताया सेकंड हमारी लाइन है कि द पैटर्न ऑफ फार्मर सोसाइट पॉइंट्स टू द सिग्निफिकेंट क्राइसिस दैट द रूरल एरियाज आर एक्सपीरियंसिंग फिर आपने लिखा कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो सेंचुरी से मतलब ना जाने कितने सालों से बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रेस फेस करते हैं या परेशानी में रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कभी सूखा पड़ जाता है कभी क्रॉप फेलर हो जाता है कभी उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन चीज़ों की वजह से फार्मर जो है इंडिया में वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है एंड सोशलॉजिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन दिस फिनना बाई लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल एंड सोशल चेंजेस दैट हैव बीन ऑकरिंग इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीडियन सोसाइटी और सोशलॉजिस्ट इस एक फिनिना को समझाने के लिए कि फार्मर्स कैसे डिस्ट्रेस में है, कैसे ये सारी चीजें फार्मर्स की लाइफ को इंपेक्ट करती हैं, तो वो इसके स्ट्रक्चरल और सोशल चेंजेस को समझते हैं उसको पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है कैसी अग्रेडियन सोसाइटी है और कैसे ये फार्मर्स की लाइफ को अफेक्ट करता है तो जैसे कि हमने देखा कि एग्रीकल्चरल सेटअप में या एक रूरल सोसाइटी की अगर हम बात करें ठीक है थोड़ी देर के लिए मतलब यहां तो हम लिखेंगे ही ये सारी चीजें बट एक जस्ट एक जनरल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं कि जैसे एक रूरल सोसाइटी है तो वहां पर एक तो सबसे मेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है लैंड एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपके पास में एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप जो है मतलब लैंड लॉट्स में काउंट किए जाओगे आपके पास में एग्रीकल्चरल लैंड है आपका एक

फार्मर्स की तरह कंसिडर किए जाते हो एग्रीकल्चरल सेटअप के अंदर अब जैसा कि अक्सर हमने देखा है कि फार्मर्स फार्मर्स क्या करते हैं का काम भैया खेती किसानी करेंगे और उसके बाद में जो भी प्रोडक्शन होगा उसको सेल आउट करेंगे उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे अपने घर चलाएंगे लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे सूखा पड़ गया या कभी बारिश ही नहीं आई या फिर हमने जो भी पूरी क्रॉप लगाई थी उसमें किसी तरह की कोई कीट लग गई या मतलब जो है वो क्या लग जाते हैं ना कीट वगैरह लग जाते हैं तो जिसकी वजह से पूरा क्रॉप फेलर हो गया तो ऐसी चीजों की वजह से क्या हो गया ये तो सारी अनसर्टेनिटीज है हमको थोड़ी पता कि हम जो है जो भी कल्टीवेट करने जा रहे हैं इस बार जो है सूखा पड़ेगा या इस बार जो है बारिश नहीं होगी या हम जो है प्रॉपर उसको इरीगेशन नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे हमें ये चीजों के बारे में नहीं पता होता तो फार्मर को अक्सर ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है और जब उसके पास में कोई प्रोडक्शन नहीं होता वो उसको सेल आउट नहीं कर पाता उसके पास में जब इनकम नहीं आती और अगले साल वो हार्वेस्ट करने के लिए जो है मतलब उसके पास में पैसा वगैरह कुछ भी नहीं होता इनपुट्स नहीं होते तो वो क्या करता है बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं उनसे पैसे ले लेता है कर्जे पर और उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर उसको वापस से खेती करनी है वापस से उसको जो है मतलब कमाना है और इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने जितना भी सारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन किया है आपको सारा का सारा जितना भी आपको

पैसे नहीं होते वो ज्यादा इनपुट्स नहीं लगा पाते हैं जमींदारों से पैसा ले लेते हैं और जब वो जमींदार को पैसा नहीं वापस कर पाते तो वो कर्ज में डूब जाते हैं उस कर्जे में एक तो जमींदार भी उनको बहुत ज्यादा जो है परेशान करने लग जाता है कि आप हमको हमारा पैसा दो अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो हमारे यहाँ पर काम करो फ्री में काम करो हम आपको उसके लिए भी पैसा नहीं देंगे और दूसरी तरफ वो अपने लैंड को भी अच्छे से जो है प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं तीसरी तरफ उनकी अपनी फैमिली है तीसरी तरफ जो है उनकी अपनी फैमिली उनके अपने बच्चे उनकी अपनी वाइफ है जिसको वो अच्छे से जो है मतलब उनको एक प्रॉपर एक सस्टेन लाइवलीहुड जो है उनका नहीं चल पा रहा है जिससे उनकी फैमिली की जितनी भी सारी बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं बच्चे हैं बच्चों की पढ़ाई है उनकी शादी है वो सारी चीजें नहीं हो पा, हो पा रही हैं तो अल्टीमेटली फार्मर जो है वो डिस्ट्रेस में आ जाता है ठीक है फार्मर जो है वो डिस्ट्रेस में आ जाता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो फार्मर के डिस्ट्रेस होने का कारण फार्मर की परेशानियों का कारण ये उसकी सोसाइटी ही है जिस सोसाइटी में वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास में इकोनॉमिक जो है मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसके पास में नहीं है तो ये होते हैं सारे इवेंट्स कि जहां आपके पास में अपना लैंड था पर उस पर जो है ड्रॉट या फिर जो है फ्लड या किसी भी कारण से किसी भी कारण से मानसून की वजह से क्रॉप फेलियर की वजह से आप अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाए ये पहला कारण हो गया आपने उसकी वजह से जमींदार से पैसा ले लिया दूसरा कारण हो गया फिर से क्रॉप फेलर हो गया आपके पास में इनकम नहीं आ पाई आप जमींदार को पैसा नहीं चुका है या बहुत बार ऐसा भी होता है कि जमींदार से पैसा लेके जो किसान होते हैं वो घर में खर्चा कर देते हैं घर में खर्चा इन द सेंस की घर में राशन वगैरह ले आते हैं बच्चों की शादी कर लेते हैं उनकी पढ़ाई में पैसा दे देते हैं और फिर उनके पास में पैसा नहीं बच पाता तो ये ही जो सारे इवेंट्स है ना जो एक दूसरे से रिलेटेड है दैट इज योर मैट्रिक्स इवेंट इसे ही हम मैट्रिक्स इवेंट कहते हैं और इसीलिए ये मैट्रिक्स इवेंट्स इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल फार्मर सोसाइट के लिए क्योंकि जब फार्मर हर एक तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो जमींदार के पैसे भी नहीं लौटा सकता उसकी अपनी जमीन पर किसी तरह की कोई फसल भी नहीं आ रही है कोई क्रॉप भी नहीं है लग रहा है कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है और उसके पास में और कोई सोर्स भी नहीं है जहां से वो ये जो है मतलब किसी तरह का कोई अरेंजमेंट कर पाए तब उसे सुसाइड करना जो है मतलब लास्ट और बिल्कुल सही ऑप्शन लगता है बट ऐसा नहीं है कि हर एक फार्मर सुसाइड करता है वो अपनी तरफ से पूरा हंड्रेड इवन टू हंड्रेड कोशिश करता है कि मैं कैसे हर एक चीज को अरेंज कर पाऊँ कैसे मैं सारी चीजों को सही कर पाऊ बट जब हर एक तरफ से ऐसा होता है ना कि इंसान हार जाता है तब उसको सुसाइड जो है वो मतलब एक तरीके से सही रास्ता दिखने लग जाता है और इसीलिए फार्मर सुसाइड के केसेस रूर, रूरल रूरल एरियाज में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं और इसीलिए ये मैट्रिक्स इवेंट्स भी हैं क्लियर है तो ये जो सारी कहानी सुनाई इसमें मैंने आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर दिया अब आपको इस पूरे आंसर को कैसे लिखना है वो आप पॉइंट्स यहां पर देख लो

क्लियर है ये हो गया मैट्रिक्स इवेंट का मतलब अब मैट्रिक्स इवेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है फार्मर सोसाइट के लिए वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा सो सम ऑफ द इवेंट्स ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर सोसाइट्स आर डिस्कस्ड बिलो अब ये एक एक करके यहाँ पर हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे सो अग्ररियन डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड चेंजेस इन द एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज अग्ररियन डिस्ट्रेस जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आते हैं और साथ ही साथ में इकॉानमिक एग्रीकल्चर पॉलिसीज में चेंजेस हो जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी क्या होता था कि जो भी इनपुट्स फार्मर्स वगैरह खरीदते थे जैसे उनको फर्टिलाइजर्स लेना है उनको जो भी सारे केमिकल्स वगैरह लेना है उनको किसी तरह के इरीगेशन की कोई सी भी टेक्निक वगैरह कुछ भी जो भी इनपुट्स वो लगा रहे हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में तो उसको वो खरीदते थे तो उनको सब्सिडी थी बहुत सारी जगह पर अभी गवर्नमेंट ने जो है सब्सिडीज को भी कम कर दिया बहुत सारी जगह पर ऐसा भी हुआ है सब्सिडी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो मान लो कोई एक्स प्रोडक्ट है और फार्मर इसको खरीदने गया तो ये वन थाउजेंड रुपीज का है वन थाउजेंड रुपीज का है तो इसने वन थाउजेंड रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा तो गवर्नमेंट इसको जो है एक तरीके से हेल्प करती थी कि वो जस्ट सपोज जैसो थ्री हंड्रेड रुपीज गवर्नमेंट देगी फॉर एग्जांपल या फाइव हंड्रेड रुपीज गेंट देगी तो फाइव हंड्रेड गवर्नमेंट दे रही है फाइव हंड्रेड फार्मर लेके आया और उसने इस एक्स प्रोडक्ट को खरीद लिया लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है कि ये सब्सिडी का रेट कम कर दिया कि जस्ट सपोज टू हंड्रेड कर दिया या वन फिफ्टी कर दिया तो अराउंड एट फिफ्टी का भार किसके ऊपर आ रहा है फार्मर के ऊपर आ रहा है तो वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता तो अगर पॉलिसीज में चेंज आ रहा है तो भी एक बहुत

नेक्स्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज दैट हैव एक्सपोज्ड इंडियन एग्रीकल्चर टू द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज वो सारी पॉलिसीज जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है मतलब कि अब आप जो है फ्रीली कहीं भी ट्रेड कर सकते हो किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड कर सकते हो किसी भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो तो जिन भी फार्मर्स के पास में सारे एक्सेस होता है रिसोर्सेज को लेके वो तो कर देते हैं जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास में बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं ट्रॉलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं अपना सारा जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वीट का प्रोडक्शन किया तो उन्होंने पूरा वीट जो है भरा अपने ट्रॉली ट्रैक्टर में रखा और उसके बाद में वो निकल जाते हैं अब उनको चाहे जहां भी जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज वो नॉर्थ में थे पर नॉर्थ से उन्होंने लेके साउथ तक जो है अपने पूरे ट्रैक्टर के मतलब सहारे वो साउथ तक आ गए और साउथ तक उन्होंने अपने वीट को पूरा सेल आउट किया लेकिन जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है तो वो तो बेचारा वही नॉर्थ में ही बैठा है ना अब उसके नॉर्थ में ही जितना भी वीट सेल आउट हो जाता है तो उसको उतना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा तो इसीलिए ये जो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है उसमें जिसके पास में रिसोर्सेज होते हैं वो तो सारा कुछ जो है प्रॉफिट अर्न कर लेता है लेकिन जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं होते तो वो अर्न नहीं कर पाते और इस वजह से वो और ज्यादा डेफ्ट में चले जाते हैं फार्मर्स आर हेविली डिपेंडेंट ऑन हाई कॉस्ट इनपुट्स लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू बेस्टरल डिजास्टर फॉर दीड्स टू इंक्रीज इन सोसाइटीज आज के समय में फार, uh, जो फार्म है वो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब इनपुट्स के जो रेट्स हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और अगर आप ज्यादा अच्छे इनपुट्स नहीं दोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्रॉप्स में कीड़े लग जाते हैं तो अगर आप उसको अच्छे से अच्छी दवाई नहीं दोगे और हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स में टाइमली नहीं दोगे तो उसमें पूरे कीड़े लग जाएंगे वो पूरा क्रॉप फेल हो जाएगा तो इसीलिए इनपुट्स हमको चाहिए इनपुट्स लगाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए और पैसे की कमी और कभी कभी ये पेस्ट जो हो जाती है ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं इन सारी चीजों की वजह से भी फार्मर के केसेस बढ़ते हैं देर इज अ डिक्लाइन इन स्टेट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर अभी मैंने आपको सब्सिडी दिया भाई यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर अनेबल टू डेप्ड बर्टन एज वेल एज नेशनल डिजास्टर्स रिजल्टिंग इन द फेलर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस साथ ही साथ में उनका डेप्टो उनका लोन है वो बढ़ता चला जाता है उधार लेके रखा हुआ है वो उनका बढ़ता चला जाता है और क्रॉप फेल हो जाता है तो वो और ज्यादा जो है मतलब परेशानी में आ जाते हैं सो देंज इन कल्चर इन रूरल एरियाज इन इनकम्स आर रिक्वायर्ड फॉर डाउरीज एंड 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 टू सस्टेन न्यू एक्टिविटीज सच एज एजुकेशन मेडिकल केयर इसके बाद में जो एक तरीके से रूरल कल्चर चेंज हो गया कि जहां पर आप शादी कर आज आज के समय पहले जो शादियां होती थी तो कैसे हो जाती थी कि आपने अपने चार पांच रिश्तेदारों को बुलाया घर में जो सारी चीजें अवेलेबल है उसके साथ में आपने बच्चों की जो है शादी कर दी और लोग भी बड़े खुश होते थे कि हाँ भैया उनके बच्चे की फलाने के बच्चे की जो है शादी हो गई अच्छे से बच्चे रह रहे हैं वो बड़े खुश हो जाते थे आज का जो टाइम है प्रेजेंट टाइम आपने भी देखा है कि आज जो शादियां होती है वो बड़े ही लविश लाइफ स्टाइल मतलब बहुत ही जो है मॉडर्न टाइप से होती है कि आजकल हमने देखी हम सभी ने ये चीजें देखी है कि अगर हल्दी का कोई फंक्शन है तो जो भी ब्राइड या ग्रूम होगा उसके लिए पूरा एक स्टेज सजाया जाएगा हल्दी के लिए सभी जो है मतलब येल्लो कपड़े ही पहनेंगे हल्दी है तो सबको येल्लो ही पहनना है मेहंदी है तो सब ग्रीन ही कपड़े पहन के आएंगे अब ऐसे में क्या होता है जिसके पास में ग्रीन कलर के कपड़े नहीं है तो वो मार्केट जाता है वो ग्रीन कलर के कपड़े खरीद के लाता है क्योंकि उसको उस थीम को मैच करना है है ना अब इसके साथ में आप जो है मतलब बहुत ही बड़े से बड़े पैलेसेस में और जो है मतलब बड़े से बड़े क्या बोलते हैं ना वो मैरिज गार्डन वगैरह लेते हो जो बहुत ही शानदार होते हो और वो बड़े ही कॉस्टली भी होते हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं वो बड़े ही कॉस्टली होते हैं फिर आप उन गार्डन्स को अरेंज करते हो और फिर उसके बाद में आप वहां पर जो है शादी वगैरह पूरी करते हो फिर इसके बाद में आप जो है बड़ी सी बढ़िया सी कार जो है गिफ्ट करी जाती है फिर उसके बाद में ढेर सारी चीजें मतलब इन शॉर्ट दिखावा ज्यादा होता है आज के टाइम में शादियां होती हैं तो उसमें दिखावा ज्यादा होता है शादी तो हो रही दो लोगों की शादी हो रही वो तो भाई कोर्ट में भी हो जाएगी मंदिर में भी हो जाएगी और जहां भी होनी वहां हो ही जाएगी बट दिखावा ज्यादा किया जाता है ना जाने 150 फिफ्टी आइटम जो है उन्होंने मेन्यू में अपने रखे हुए थे और वो वन हर किसी ने खाए भी नहीं है बट रखे थे क्योंकि भैया हमको दिखाना हमने हमारे बच्चे की शादी इतने जो है लेविश फॉर्म में करी थी तो आज के टाइम में ये जो सारी चीजें दिखावे में हो रही ये तो रूरल मतलब अर्बन एरियाज में होता है सेम चीज़ रूरल एरियाज में भी होने लगी कि डाउरी का जो पैसा है मतलब दहेज जो है लोग ज़्यादा से ज्यादा मांगते हैं इसके बाद में मतलब दहेज प्रथा हमारे यहाँ पर आज भी चलती है वो एक मतलब बुराई है एक सोशल लेवल है हम उसको खत्म करना चाहते हैं बट फिर भी आज एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट लोग देते हैं कि हम तो गिफ्ट दे रहे हैं हम कोई दहेज नहीं दे रहे हम अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं उसके फॉर्म में भी जो है दहेज देना उसके बाद में बहुत सारा पैसा यूज करके शादियां करना फिर उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी बड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है तो ये सारी चीज़ों को भी फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाता जाता है एंड ऑल दीज इवेंट्स कंक्लूजन ठीक है अब कंक्लूजन लिख रहे हैं कि ये सारे इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फार्मर सोसाइटी के लिए और हमें रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा फार्मर सोसाइटी के केसेस देखने को मिलते हैं स्पेशली महाराष्ट्र हो गया आपका कर्नाटका हो गया आपका नॉर्थ इंडिया हो गया आपका यहां पर हमको सबसे ज्यादा फार्मर सोसाइटी के केसेस देखने को मिलते हैं अक्सर हम में में न्यूज फार्मर केसे के केसेस देखने को मिलते हैं हैं और ये सब इवेंट्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिले और अगर फार्मर्स भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप कर सके मतलब वो हमको ना एक आइसोलेटेड विलेज तक प्लांस पॉलिसीज को लेके जाना है तो शायद हम फार्मर सोसाइड की केसेस को रोक सकते हैं ये आपका कंक्लूजन होगा जो मैंने इतना आपसे कहा तो इस तरीके से आप फाइनली अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हो क्लियर है ये भी आ गया यहाँ पर समझ में कि किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है किस तरह से क्वेश्चन को एंड करना है और जितने पार्ट्स क्वेश्चन में पूछे उतने पूरे पार्ट्स लिखने हैं टू हंड्रेड वर्ड लिमिट है अच्छे से आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो अभी आपके पास में ऐसा बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है जैसे अभी तक आंसर कर रहे थे तो एट्टी वर्ड्स ही होना चाहिए थर्टी वर्ड्स ही होना चाहिए अभी टू हंड्रेड वर्ड्स है बहुत सारे होते हैं आराम से लिखो अच्छे से एक्सप्लेन करो ऐसा भी नहीं है कि थ्री हंड्रेड वर्ड्स पर पहुंच जाओ लिखते लिखते टू हंड्रेड वर्ड्स में लिखो सिक्स मार्क्स का है जितना पूछा है उतना लिखो आप सारी चीजें क्लियर है आगे ये भी समझ में अब आगे लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चैप्टर नहीं सॉरी सैंपल क्वेश्चन पेपर के ठीक है इसका लास्ट क्वेश्चन है फोर्टीन फोर्टीन टोटल क्वेश्चन थे ये क्वेश्चंस questions...

मार्क्स को बाइफरगेट भी कर सकते हैं तो इस एक चीज को ध्यान में रखें दोनों को इक्वल वेटेज देके आंसर करेंगे नेक्स्ट और और में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी में हमने थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स पढ़ी चैप्टर एट आपका सोशल मूवमेंट्स था तो कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं सोशल मूवमेंट्स की वो आपको यहां पर बताना है क्लियर है क्वेश्चन आगे समझ में अब दोनों के फटाक से जो है आंसर देख लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे वुमेन्स मूवमेंट की इसमें हम कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि हमसे डायरेक्टली शॉर्ट नोट लिखने को बोला है तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट लिखेंगे एक वुमेन्स मूवमेंट पर लिखेंगे ट्राइबल्स मूवमेंट पर लिखेंगे ज्यादा लिखना है आपको तो लिख दो कि सोशल मूवमेंट्स क्यों होती है तो सोसाइटी में चेंजेस रिफॉर्म्स लाने के लिए जो है सोशल मूवमेंट्स होती है उनका एक अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है जिसके लिए जो है वो आ, मतलब मूवमेंट चलाते हैं इस तरह से एक छोटा सा एक दो लाइन में लिख दिया सोशल मूवमेंट्स अब उसके बाद में आगे वुमेन्स मूवमेंट पर अब वुमेन्स मूवमेंट आपने बताया कि अर्ली ट्वेंटी सॉ सो ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल एंड लोकल लेवल वुमेंस मूवमेंट को हम एक तरीके से थ्री पार्ट्स में पढ़ते हैं एक तो इंडिपेंडेंस के पहले एक इंडिपेंडेंस के टाइम पर आ, मतलब 1960s के आसपास तक उसके बाद में हम पढ़ते हैं नाइनटीन 70s के बाद का टाइम और एक हम एक और देखते हैं फोर्थ फेज भी देखते हैं जब हम बात करते हैं ट्वेंटी सेंचुरी में या आपके टू के बाद में ये टू के बाद में किस तरह के मूवमेंट चले तो डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है बट अभी हंड्रेड वर्ड्स में लिखेंगे है ना तो ट्वेंटिय सेंचुरी में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी सो फॉर एग्जाम्पल वुमेंस इंडिया Association 1917, All India Women's Conference 1926, National Council for Women in India 1925. Women participated along with men in struggles and revolts originating in tribal and rural areas in colonial period. Colonial time period से ही women ने participate किया है men के साथ में जितने भी सारे struggles, जितने भी सारे revolts होते हैं चाहे tribal area में हो, चाहे rural areas में हो, हमेशा से ही women ने equally participate करा है। जैसे हमने इसका एक example देखा कि मतलब वो हमने इंडिपेंडेंस के बाद में देखा लेकिन चिपको मूवमेंट है तो चिपको मूवमेंट में भी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया बट यहाँ हम ट्वेंटी सेंचुरी की बात करें तो जैसे जो तेहभाग मूवमेंट होती है बंगाल में तेलंगाना में जो आर्म से स्ट्रगल होता है जो वर्ल्ड ट्राइबल मूवमेंट होती है इन सभी में वुमेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है वुमेन ने भी जो है मैन के साथ में रहते हुए उसकी बराबरी के साथ में जितने भी सारे स्ट्रगल्स रहे उसमें पार्टिसिपेट किया है जैसे कि हम बात करें तेह भाग मूवमेंट की तो तेहभाग मूवमेंट जो हुआ था बंगाल में वो ये था कि लैंड का जो जो भी सारा रेवेन्यू होगा उसका पार्ट पार्ट किसके पास 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 में 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 जाना जाना चाहिए चाहिए पीजेंट फार्मर्स उनके उनके क्योंकि मेन उनका अधिकार है तो उनके पास में तो जाए उसके लिए जो पूरे फार्मर्स ने स्ट्रगल किया तो उसमें जो भी सारे वुमेन्स तो में, तो ने भी किया, तो में उनका एक रहा. 1970s की अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर हम इंडिपेंडेंस की भी बात करें इसमें हम एक इंडिपेंडेंस का पॉइंट भी एड ऑन कर सकते हैं ये जस्ट सारे पॉइंट्स है मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से आप इसमें एड ऑन कर सकते हो क्योंकि अपने आप में ये जो मूवमेंट्स है ये बहुत बढ़िया अगर आपको एक क्वेश्चन आए वुमेंस मूवमेंट पर ही तो ही आप उसमें टू वर्ड्स लिख सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक होगी लिखना है क्योंकि दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं मतलब एक क्वेश्चन के अंदर हमसे दो पार्ट्स लिखने को बोले हैं तो आपने इंडिपेंडेंस के टाइम पर बताया कि नेशनल मूवमेंट जो हुई उसमें भी बहुत सारी ऐसी वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जिन्होंने नेशनल मतलब लेवल पर या ना जैसे नेशनल लीडर्स ने वर्क किया वैसे उन्होंने भी काम किया जैसे हम इसमें और भी बहुत सारी वोमेंस के एग्जाम्पल लिख सकते हैं जब आपने चैप्टर के अंदर पढ़े थे 1970s में ऑटोनॉमस वुमेंस मूवमेंट जो है वो उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है ऑटोनॉमस वुमेंस मूवमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि वो सारी वुमेन मूवमेंट जो पॉलिटिक्स के साथ में रिलेटेड नहीं थी क्योंकि क्या होता था पॉलिटिकल पार्टीज जो होती थी वो वुमेंस मूवमेंट के साथ में जुड़ जाती थी और वुमेंस का सपोर्ट लेके अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करती थी लेकिन धीरे धीरे जब वुमेंस को ये चीज़ समझ में आई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नाइनटीन से ऑटोनॉमस वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया और यहाँ पर अब वो पॉलिटिक्स से अलग थी वो अपने एजेंडाज को अब खुद से जो है मतलब प्रेजेंट करती थी अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस न्यू इश्यूज फोकस्ड बाय बास मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं कि किस तरह से वोमेंस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना है इसके साथ साथ में बहुत सारे नए इशूज को भी जो है फोकस किया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इशूज ऑफ लैंड राइट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन राइट्स अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट एंड डाउरी तो ये जो सारे इशूज हैं इन्हें भी हाईलाइट किया जाता है वुमेंस मूवमेंट में आफ्टर नाइनटीन सेवेंटीज तो इस तरह से जो है सारी वुमेन्स मूवमेंट चलती है इसके बाद में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की अगर हम बात करें आफ्टर टू थाउजेंड तो बहुत सारी जो है वुमेंस मूवमेंट चल रही है आज भी चलती है जिसमें सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो so, उसमें जो है मतलब जैसे हमने स्पेशली जो निर्भया मूवमेंट पूरा पड़ा टू थाउजेंड ट्वेल्व का दैट वॉज की जो है हाई वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए रेप केसेस के लिए उसकी डिमांड उन्होंने उसके थ्रू करी थी तो ये जो सारे मूवमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं बहुत शॉर्ट में आप उसको लिखोगे बहुत शॉर्ट में इसलिए लिखोगे क्योंकि आपको ट्राइबल मूवमेंट को भी एक्सप्लेन करना है तो आपने बिल्कुल शॉर्ट में बताया आप चाहो तो इस पे एक चार्ट भी बना सकते हो कैसे बना सकते हो देखो यहां पर आपने लिखा फेजेस ऑफ वुमेन्स मूवमेंट फेजेस ऑफ

इन uh, इन 1947 ठीक है इन 1947 और ड्यूरिंग 1947 या इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस भी लिख सकते हो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इसके बाद में आपने लिखा आफ्टर 1947 टू 1960s फिर आपने लिखा 1970s टू 2000 फिर आपने लिखा आफ्टर टू थाउजेंड ये हमने इसको फाइव फेजेस में डिवाइड कर लिया कॉलोनियल पीरियड में जो वोमेंस मूवमेंट हुई उसमें उन्होंने जो है पीजेंट स्ट्रगल में ट्राइबल मूवमेंट्स में जो है इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में में पार्टिसिपेट किया 1947 से 1960s तक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक राइट्स को लेकर जो है उन्होंने इशूज उठाए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की भी बात करी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की भी बात करी नाइनटीन से टू तक ऑटोनॉमस वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें मेनली वायलेंस अगेंस्ट व

तो आपने बताया मोस्ट ऑफ द दाइबल मूवमेंट द ट्राइबल बेल्ट इन मिडिल इंडिया सच द संथल्स होल्स इन छोटा नागपुर एंड द संथल परगनास मतलब कि बहुत सारी जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुई हैं वो मेनली ट्राइबल बेल्ट में हुई है ट्राइबल बेल्ट जो कि आपके मिडिल इंडिया में हमको देखने को मिलता है और इसमें बहुत सारी जो है ट्राइबल ट्राइब, ट्राइब जैसे कि संथल उराउन मुंडास छोटा नागपुर में और संथल परगनास में ये सारी हमको देखने को मिलती है झारखंड में जो झारखंडी पीपल रहते थे दे पीपल, किस तरह से उन्होंने झारखंड को क्रिएट करने में और ट्राइबल की आइडेंटिटी और कल्चर को हाईलाइट करते हुए मूवमेंट चलाई सॉरी उसको आपको यहाँ पर जो है पूरा डिस्कस करना है देखो The social movement for Jharkhand had charismatic leader on Birsa as Birsa Munda, an Adivasi, who led a major uprising against the British after his death. अब झारखंड में जो सोशल मूवमेंट होती है उसमें बिरसा मुंडा मेन लीडर होते हैं एक ऐसे आदिवासी जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में होते हैं या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होते हैं और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद में जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उन्हीं के आइडियाज पर उन्हीं के पाथ के ऊपर चलते हैं और झारखंड में जो झारखंड की आइडेंटिटी है उसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत सारी ऐसी पोएम्स वगैरह लिखी जाती हैं जो बिरसा मुंडा के आइडियाज को ही जो है एक तरह से एक्सप्रेस करती हैं और धीरे धीरे जब ये सारी मतलब आइडियाज सब तक पहुंचते हैं जब सब जो है झारखंडी आइडेंटिटी को लेके और अपने झारखंड को जो है क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब सबके अंदर एक वो जोश और जुनून आ जाता है तो धीरे धीरे ये लोग जो है गवर्नमेंट से साथ में नेगोशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ में जो भी ऐसे मतलब कॉन्ट्रेक्टर्स वगैरह होते थे जो इस एरिया में आते थे मतलब जब तक झारखंड क्रिएट नहीं होता तब तक वो साउथ बिहार का ही पार्ट था बट उसके बाद में जो भी सारे मतलब बाहरी लोग आते थे और यहाँ के फॉरेस्ट वगैरह को कट करना चाहते थे यहाँ पर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते थे तो झारखंडी जो पीपल थे जो ट्राइबल्स थे यहाँ के वो उसको रसिस्ट करते थे और धीरे धीरे करके फाइनली ईयर टू में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो जाता है और झारखंड जो है एक सेपरेट स्टेट बन जाता है जहां मेनली ट्राइबल्स जो है उनको

लोन रेंट और कॉपरेटिव ड्यूज ये जो सारी चीजें कलेक्ट की जाती थी उसको भी वो रेसिस्ट करते थे सो वन ऑफ द की इशू दैट बाइंड द ट्राइबल मूवमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज द एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड्स सो बेसिकली जो मेन एक मतलब एम होता है या एक जो मेन गोल होता है ट्राइबल्स का वो ये होता है कि किसी भी तरह से उनकी अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी उनका अपना कल्चर जो है वो कहीं से भी खत्म ना हो वो कहीं से भी उससे एलिनेट ना हो जिस फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं वो हमेशा उनके साथ में ही रहे तो उसको लेके उन्होंने ढेर

उसको पूरा जो है पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना क्लियर है ये भी आया यहाँ तक समझ में अब इसी में एक और सेकंड क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट मतलब 14 में आपसे और में दो क्वेश्चन पूछे गए थे ना तो अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं सोशल मूवमेंट की उसको भी आंसर कर लेते हैं फटाक से समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल सी थ्योरीज हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सो देर आर मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट्स अगेन इसको, इसको स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा सोशल मूवमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन दे देना कि सोशल मूवमेंट जो है वो क्या होती है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना और बस फिर उसके बाद में जो भी थ्योरीज होती हैं उसको लिख देना सो so, अब आपने बताया कि बहुत सारी थ्योरीज हैं सोशल मूवमेंट्स को लेकर जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है तो मेनली थ्री थ्योरीज हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी तो ये जो आपकी तीनों थ्योरीज हैं बस आपको इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है यहाँ पर जैसे मैंने हाईलाइट किया है सेम प्लीज हाईलाइट करते हुए लिखना मतलब ये नहीं बोल रही हूं कि आप येलो पेन लेके जाना बट जैसे मैंने ब्लैक और ब्लू पेन आपको बताया ना तो वैसे आप जो है इसको हाईलाइट करते हुए लिखना चाहो तो एक छोटा सा चार्ट बना दो फिर उसके बाद में एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दो ठीक है अब देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन सो दिस थ्योरी सेज दैट सोशल अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट इज वर्स ऑफ देन अदर्स अराउंड इट ये थ्योरी ये कहती है कि सोशल कन्फ्लिक्ट तब होता है जब सोसाइटी में रह रहे किसी एक ग्रुप को ऐसा लगता है कि वो दूसरे ग्रुप से कम है मतलब कि जब सपोज ये टू ग्रुप्स हैं ये एक ग्रुप है और ये बी ग्रुप है दोनों सोसाइटी का ही पार्ट है बट ए ग्रुप को ऐसा लगता है कि उसे बी ग्रुप से कम समझा जाता है या कम देखा जाता है तब सोशल कन्फ्लिक्टराइज होते हैं जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये लो कास्ट है और ये हाई कास्ट है मतलब कास्ट तो सभी की है बट सोसाइटी में कंसिडर किया जाता है कि ये हाई कास्ट होगी और ये लो कास्ट होगी तो लो कास्ट को पता है ना कि हमें हाई कास्ट कास्ट से कम जा रहा है, तब सोशल होगा एंड दैट विल बी बेस्ड ऐसा कौन कह किस्ट सेलेक्टिव एक्शन बट नॉट अंट रीजन इन ये जो थ्योरी है वो इस एक चीज पर फोकस करती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि आपके मन में जो सारी चीजें हैं आपको लग रहा है ना कि हाँ ये जो है हमको लो कास्ट माना जा रहा है तो हमारे साथ में जो है बड़ा ही जो है मतलब बुरा व्यवहार होता है तब आप सोशल कंफ्लिक्ट होगा तो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस थ्योरी की लिमिटेशन या एक तरीके से क्रिटिसिज्म है कि जो परसेप्शन होते हैं डिप्रीवेशन के वो नेसेसरी कंडीशन है कलेक्टिव एक्शन के लिए बट नॉट अ अंट रीजन इन मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड फील कर रहे हो या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कम समझा जा रहा है तो आप सभी एकदम से साथ में आओगे और आप कन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है कि ऐसा नहीं होता है कोई इंडिविजुअल पर्सन है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लो कास्ट से हूं और मुझे दिख रहा है कि मुझे जो है सोसाइटी में

सोशल मूवमेंट के लिए कलेक्टिव एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी लोग हैं वो सभी साथ में आए आपस में आए तभी तो सोशल मूवमेंट हो पाएगी बट यहां पर ये यह कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिप्रीवेशन आपको जो परसेप्शन है डेप्रीवेशन का सिर्फ वो एक जरूरी नहीं हो सकता है सिर्फ वही एक कारण नहीं हो सकता है कलेक्टिव एक्शन के लिए सो दिस वाज योर थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन की जहां पर आपको रिलेटिवली ऐसा लगता है कि आपको डिप्राइव फील किया जा रहा है तब आप सोशल कंफ्लिक करोगे लेकिन उसके भी लिमिटेशन है ठीक है अब नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन

है, लोग आपस में साथ में आते हैं और कलेक्टिव एक्शन करते हैं According to his theory, a person becomes a member of a social movement only when he has some benefit from it. A person will join social movement if he or she will gain something from it. तो so, उनका कहना यह था कि कोई भी social movement में तभी participate करता है जब उसको पता होता है कि यहाँ से मुझे कुछ, कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है So in short, people join social movement to gain maximum benefit for themselves. Many people do not agree with this view of Olson. लेकिन बहुत सारे ऐसे sociologists हैं बहुत सारे ऐसे theorists हैं जो uh, Olson के इस एक व्यू से agree नहीं करते हैं कि अगर हमारा

क्लियर है ये भी आगे यहाँ पर समझ में तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया थ्योरीज तो हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी है और अभी भी आपको सारा कुछ रिकॉल ही रहा होगा बस आप पॉइंट्स पर ध्यान दो कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी

शन के ऊपर फोकस करते हैं

तो भी आप सोशल मूवमेंट कर बहुत सारी ऐसी आगे आते हैं और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में वो लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन अपने आप डेवलप कर लेते हैं

कि अगर आपको दिखता है कि इस सोशल मूवमेंट को करने से आपको कोई फायदा होगा तो ही आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो लेकिन फिर उसके भी क्रिटिसिज्म आते हैं कि हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट ही सब कुछ नहीं होता है कभी कभी हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता बट हम सोशल चेंज लाने के लिए भी पार्टिसिपेट करते हैं देन थर्ड थ्योरी आती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जहाँ मैकार्थी और रिजल्ट क्या बोलते हैं कि अगर आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हो तो आप एक सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट चला सकते हो लेकिन अगेन हमने उसके भी क्रिटिसिज्म देखे कि सिर्फ अगर आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मूवमेंट नहीं चला सकते हो आप धीरे धीरे टाइम के साथ में उस सोशल मूवमेंट में रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हो क्लियर है ये भी आगे यहां तक समझ में तो यहां पर हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन पेपर टू जो है वो होता है कंप्लीट जहां हमने सभी फोर्टीन क्वेश्चन को आंसर कर लिया और में भी क्वेश्चन थे उनको भी आंसर कर लिया और जो भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इन फाइव चैप्टर से थे वो भी हमने आंसर कर लिए सो आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे सभी के आंसर समझ में आए होंगे और आपकी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस जो है एग्जाम की चल रही होगी अगर सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कोई डाउट है कोई भी चीज है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ और जिसने अभी तक सैंपल क्वेश्चन पेपर solution paper 1. सॉल्व नहीं किया है तो वो भी कर लो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सो so, अभी जितना भी सारा कुछ पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो बिकॉज रिविजन और बढ़िया से रिवाइज वगैरह करके जो है फिर एग्जाम देने जाओ और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो ठीक है पानी वानी पीते रहो और इसी के साथ में अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता देना और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना मिलेंगे next video lecture thank you very much